सो हैव सो गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग जहां पर हम करते हैं मज़े व्लॉग के रूप में। तो आज है बेसिकली मेरा डे टू ऑफ माय डेली व्लॉग चैलेंज। तो अभी बज रहा है सुबह के 10 और मैं उठा था ऑलमोस्ट 9 बजे। तो उसके बाद अभी हो रहा है कंप्यूटर ऑन, ये रहा कंप्यूटर ऑन हो रहा है अभी, और कंप्यूटर को ऑन होने देते हैं। और आज मेरा जो प्लान है वो ऐसा है कि मैं एचपी में जो न्यू फीचर देने वाला हूँ उसमें मैं देने वाला हूँ एक मतलब मशीन लर्निंग का यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो मशीन लर्निंग उतना अच्छा तरीके से मुझे नहीं आता है तो वो मैं सीखने वाला हूँ। तो आज उस अराउंड ही मैं थोड़ा बहुत टॉपिक्स वगैरह सर्च करके पढ़ने वाला हूँ, देखते हैं कितना तक होता है। आज मेरा टारगेट है कि एक फ़ीचर मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा आज मशीन लर्निंग का। अभी देखते हैं कितना तक होता है क्या नहीं होता है। और मम्मी अभी ब्रेकफास्ट बना रही है, देखते हैं क्या आता है ब्रेकफास्ट में। और अभी चलती है, चलते शुरू करते हैं अपना काम। कंप्यूटर भी ऑन हो चुका है, ये देखो देख रहे हो। वॉलपेपर में बस रोल्स रॉयस ही चाहिए। अभी बज रहा है दोपहर के 3:30 और मैं लगभग 3:30 बजे उठा था अपना काम वाम सब कुछ कंप्लीट करके, जो कि मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा था। तो समझ में बहुत ज़्यादा कम चीज़ आ रहा था तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं इसको अभी अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा बहुत कीबोर्ड वगैरह सर्च कर रहा था, जो कि ये देखो ये वाला कीबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये है मागेघी का कीबोर्ड। एंड ये वाला कीबोर्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये है रेड ड्रैगन का कुमाड़ा, जो कि मेरे एक फ्रेंड के पास ऑलरेडी है। पिछले दिन मैं जब उसके घर गया था तो उस दिन मैंने यूज़ किया था ये वाला बहुत अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कीबोर्ड्स वगैरह सर्च कर रहा था। तुम लोगों को अगर कोई सजेशंस देना है मुझे कीबोर्ड को लेकर तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ना सोच रहा हूँ एक कीबोर्ड ख़रीदने के लिए, एक मैकेनिकल कीबोर्ड ख़रीदने के लिए। क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड है ना, ये देखो ये दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला कीबोर्ड ना, ऐसा वाला कीबोर्ड है, मतलब ये शायद सेमी मैकेनिकल है, मुझे याद नहीं है। ये TVS का एक कीबोर्ड है तो शायद ये सेमी मैकेनिकल है क्योंकि मेम्ब्रेन तो ये है नहीं। मेम्ब्रेन तो ये वाला कीबोर्ड है, तो ये है मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड। और मैं भूल गया था ये वाला कीबोर्ड के बारे में बताना, ये मैंने ख़रीदा था इसी पीरियड टाइम पीरियड के बीच में, ये कीबोर्ड मैंने ख़रीदा था। ये भी अच्छा कीबोर्ड है, ये है एंट ई स्पोर्ट्स का ख़रीदा था मैंने, MK 1500 mini। ये मैंने ख़रीदा था लगभग 1400 रुपये में। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे कि इसमें तो मैकेनिकल कीबोर्ड आ जाता, वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड आ जाता। तो मैंने बोला कि मुझे वायर्ड नहीं चाहिए था, मुझे वायरलेस चाहिए था क्योंकि मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूँगा। पर दिक्कत ये था कि मैं लैपटॉप के साथ अगर मेरा ये वाला कीबोर्ड अगर मैं कनेक्ट करता तो इसमें दिक्कत यही होता कि लैपटॉप का चार्ज बहुत ज़्यादा खाता था वो। तो इसीलिए मुझे चाहिए था एक वायरलेस कीबोर्ड, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। ये शायद इसके साथ कनेक्ट भी हो चुका है, हाँ इसके साथ कनेक्ट भी हो चुका है। तो मुझे चाहिए अभी एक कीबोर्ड भी चाहिए, पर उससे पहले मुझे एक माउस भी ख़रीदना है क्योंकि इसमें जो मैं माउस यूज़ करता हूँ वो ये वाला माउस ही मैं इसमें यूज़ करता हूँ, जो कि मैं कंप्यूटर के साथ भी यूज़ करता हूँ। तो दिक्कत इसमें यह है कि इसमें ना एक रिसीवर लगाना पड़ता है जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे चाहिए एक ब्लूटूथ माउस भी, क्योंकि ये अगर लगा दिया तो रिसीवर तो चार्ज खाएगा ही ना, तो इसीलिए मुझे चाहिए। अभी देखते हैं कौन सा वाला कीबोर्ड ले सकते हैं, नहीं तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ चांदनी चला जाऊँगा, वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत कीबोर्ड देख लूँगा क्योंकि मुझे चाहिए भाई एक कीबोर्ड तो मुझे चाहिए। क्योंकि वो फील नहीं आता है जब तक तुम एक बार अगर तुम मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर लेते हो ना, उसके बाद अगर तुम दूसरा कोई कीबोर्ड यूज़ करते हो टाइपिंग के लिए
तुम्हें वो मज़ा नहीं आएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें वो मज़ा नहीं आएगा। अगर तुम आज भी यूज़ कर लो एक बार तो फिर तो तुम समझ लो हो गया तुम्हारा। आज ना मैं जिम भी नहीं गया क्योंकि आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जिम जाने के लिए, तो आज घर पे ही बैठ के बिता दिया सब पूरा का पूरा। वैसे भी आज तो हॉलीडे है, तो वैसे भी मेरा बस यही रूम में हर टाइम बस चलेगा ये चीज़। हॉलीडे में मेरा मतलब सुबह से रात तक पूरा यही रूम पे चलता रहता है मेरा, जो भी काम हो इसी रूम पे, चाहे वो मेरा खुद का एचीवी का काम हो, चाहे वो मेरा खुद का पढ़ाई का काम हो, कुछ भी हो यही रूम में सब कुछ हो जाता है। तो मुझे ऊपर भी नहीं जाना पड़ता है और कहीं पर जाना भी नहीं पड़ता है, तो बस यही चलता है। देखते हैं क्या करते हैं। अभी शाम को मेरा थोड़ा काम है, थोड़ा मैं एचीवी को लेकर बैठूंगा, बैकएंड को लेकर, और अभी देखता हूँ अगर सोने का मन करा तो सोएंगे थोड़ा, या फिर 2 दिन पहले मैंने पिक्चर्स देखना स्टार्ट किया था तो शायद मैं वो भी देख सकता हूँ पिक्चर्स। देखते हैं, 3 एपिसोड मैंने देखा था एक साथ, पूरा कॉन्टिन्यूस मैंने 3 एपिसोड देख लिया था। उसके बाद अभी देखते हैं, अगर मन करा तो देखेंगे या फिर सो जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को। शाम से उतना प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा था, पता नहीं क्यों पर हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा पिक्चर्स ही देख लेते हैं। तो थोड़ा मैं सो गया था, उसके बाद उठकर मैंने पिक्चर्स देखा। मैं देखा सीजन 2 एपिसोड 2 तक, एपिसोड 2 का हाफ तक देख लिया मैंने, हाफ नहीं 75% देख लिया मैंने। उसके बाद थोड़ा बाकी है और अभी देखते हैं, अभी मैं देखूंगा। और अभी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत NFTs वगैरह देख रहा था मैं, तो यही बस चल रहा है अपना। और आज इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पाया अपने एचीवी का। हाँ थोड़ा पढ़ा थोड़ा बहुत, और बस शाम को थोड़ा देख रहा था अपना जो मॉडल होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले ब्लॉग में, मतलब डे 3 वाले ब्लॉग में। और अभी मैंने मुझे तो ये वाला एडिट भी करना है, और अभी बज रहा है 10:15। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, सी यू गाइस।